नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इस बात पे कि आप जैसे आज अभी आपने सुना होगा कि लखनऊ कोर्ट में एक गैंगस्टर को कुछ लोग वकील के ड्रेस में जाते हैं और उनको कोर्ट में गोली मार देते हैं, फिर वकील लोग उनको पकड़ करके पुलिस वालों को सुपुर्द कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें ये सवाल उठता है कि कोर्ट के अंदर अक्सर सुनने को मिलता है, सुनने को ये अक्सर आपको मिलता है कि कोर्ट में जा करके उसको गोली मार दी गई, कभी फला कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट पे। तो इस पे वकीलों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ी परेशानी सामने आ रही है। ऐसे में तो वकील सुरक्षित नहीं है ना, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा और हम सभी वकीलों को अपनी आवाज भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर आ करके ड्रेस पहन करके और जा करके गोली मार देना, ऐसे में किसी भी वकील को गोली मारी जा सकती है। सुरक्षा में हमेशा ऐसी चूक मिल रही है कोर्ट परिसर में जो जिस पे बड़ा कदम उठाने का एक बहुत बड़ा कार्य है। जब वहां पे कोई आदमी सुरक्षित नहीं है तो वकील भी सुरक्षित नहीं है, और अगर आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे तो वकीलों के ऊपर क्या बीतेगी, वो भी एक डर में रहेंगे। तो दोस्तों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हर जगह लागू करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो कोर्ट परिसर में कोट पहन करके और वकील का भेष बना करके जा करके के अपने मकसद को पूरा करते हैं, उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। किस प्रकार से उठाना है, क्या करना है, उस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट परिसर में अगर ऐसी कहानियां होती रहेंगी तो न्याय का गला दबता रहेगा। क्योंकि कोर्ट परिसर में जब कभी ऐसी कहानी घटित होती है तो किसी को न्याय ना मिल सके, यही उसका एक उद्देश्य होता है। गवाही देने से पहले गोली मार देना, मुलजिम वहां तक नहीं पहुंच सके, गवाहदार वहां तक ना पहुंच सके, मुलजिम को सजा ना हो सके, यही सब उद्देश्य को लेकर के गवाहदार को गोली मारी जाती है। और देखिए तो उनको कहीं मौका नहीं मिलता है, मिलता है तो कहां मिलता है, कोर्ट में। मतलब कि उनको ये मालूम है कि कोर्ट में सुरक्षा की चूक होती है तब तो कोर्ट उनके लिए एक ऐसी जगह बन चुकी है कि कोर्ट के अंदर जा करके हम गोली मार देंगे, क्योंकि वहां की जो सुरक्षाएं हैं बहुत ही डैमेज है। अगर डैमेज ना हो तो कोर्ट के बाहर कहीं गली में मारे, कुछ भी करें, कैसे करें, नहीं कोर्ट के अंदर मारते हैं, कोर्ट में जाकर मारते हैं, कोर्ट परिसर पे मारते हैं, जिससे सिक्योरिटी पे सवाल उठता है। वकील कोई भी सुरक्षित नहीं है आज के टाइम पे, और ये हादसा हमेशा होते रहते हैं जिस पे विचार करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस बात पे समर्थन करते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें पर समर्थन जरूर दीजिएगा, क्योंकि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, ये अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वो एडवोकेट नहीं है तो वो अंदर नहीं जा सकता, कोर्ट पहन के नहीं घूम सकता है। इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है।
ताकि कोर्ट परिसर में कभी ऐसा दुर्घटना न घटे जिससे लोगों को परेशानी आए और न्याय मिलने में दिक्कत हो। इसी के साथ मैं इस बात को यहीं पे एंड करता हूं और आप लोगों से आपकी जो राय है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।